वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, इस वीडियो में आज एक और नया प्रोग्राम बनाना सीखेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने का। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में वो दोनों हेडर फाइल्स हमको लगानी ही है, hash include stdio.h, नेक्स्ट लाइन में hash include conio.h, stdio.h और conio.h। फिर प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए void main curly bracket open। प्रोग्राम बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो obtain marks divide by total marks multiply by 100, तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज होगा। तो अब यूजर से हमको क्या क्या चाहिए, obtain marks चाहिए और टोटल मार्क्स चाहिए। तो चलिए यूजर को हम मैसेज देते हैं कि हमको obtain marks चाहिए। हाँ, उससे पहले तीन वेरिएबल भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दो तो हमको यूजर से इनपुट चाहिए और एक में हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। फ्लोट टाइप के तीनों वेरिएबल बना रहा हूँ, फ्लोट obtain marks कोमा टोटल मार्क्स कोमा परसेंटेज। तीन वेरिएबल बन गए, तीनों फ्लोट टाइप के, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में भी हो सकते हैं। clrscr भी लगा रहे हैं, पुराना कोई भी आउटपुट हम नहीं देखना चाहते हैं। चलिए हम यूजर को मैसेज प्रिंट करते हैं। प्रिंट एफ का यूज करेंगे मैसेज प्रिंट करने के लिए। प्रिंट एफ एंटर योर मार्क्स, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही मैसेज को लिखना है, सेमी कोलन लगा देंगे ब्रैकेट बंद करके। स्कैन एफ, परसेंटेज डी लिखा था पहले वाले प्रोग्राम में, क्योंकि हमको किस टाइप की वैल्यू चाहिए थी, इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने परसेंटेज डी लिखा था। यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू चाहिए, फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ। ये थोड़ी सी चीज़ें आप ध्यान रखना। तो यहाँ इसके के अंदर इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा परसेंटेज एफ इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा एड्रेस ऑफ ऑप्टेन मार्क्स ब्रैकेट बंद सेमी कोलन। ये तो मैंने पूछ लिया यूजर से ऑप्टेन मार्क्स, अब मैं यूजर से पूछूंगा उसके टोटल मार्क्स। तो वही प्रिंट एफ इन्वर्टेड कोमा एंटर योर टोटल मार्क्स इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट बंद सेमी कोलन। अगली लाइन स्कैन एफ परसेंटेज एफ परसेंटेज क्लिफ क्लियर हुआ, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डेटा टाइप हमारा क्या है, फ्लोट है, इसलिए परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा और एड्रेस ऑफ टोटल मार्क्स। अब मैं वो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, दोनों इनपुट मेरे पास आ गए हैं, मुझे वो कैलकुलेशन करनी है। तो परसेंटेज इक्वल टू ऑप्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, इनको मैं ब्रैकेट में ले लूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100। वही फॉर्मूला जो मैथ्स में है परसेंटेज निकालने का, वो एज इट इज़ मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। अब परसेंटेज कैलकुलेट होके किस में आ गए हैं, परसेंटेज नाम के वेरिएबल के अंदर आ गए हैं। अब मैं इसी को यूज़र को प्रिंट करा दूंगा। प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ इन्वर्टेड कोमा योर परसेंटेज इज परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि प्रिंट होने वाली वैल्यू क्या है, फ्लोट है, इसलिए यहाँ पे मुझे परसेंटेज एफ लिखना है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा परसेंटेज, जो वेरिएबल है वो मैंने प्रिंट एफ के इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। अगर मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसको ले लेता तो एज इट इज परसेंटेज लिखा हुआ, अल्फाबेटिकली लिखा हुआ प्रिंट हो जाता, इसलिए मैंने उसको किसके बाहर ले रखा है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर ले लिया। सेमी कॉलन गेट सी एच और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, जो कि मैंने वॉइड बैंक के लिए शुरू में ओपन किया था। प्रोग्राम को सेव कर लिया परसेंटेज डॉट सी नाम से। F2 पे की प्रेस करेंगे तो सेव वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी, प्रोग्राम को आप सेव कर लें। कंपाइल करें, कंट्रोल प्लस F9 से रन हो जाएगा, कंपाइल होगा अल्टर प्लस F9 से। आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि बार बार आप वो मेनू का यूज़ नहीं करें, सीधे सीधे आप किस पे चले जाए, अल्टर प्लस F9 और कंट्रोल प्लस F9। अल्टर प्लस F9 कंपाइलेशन के लिए और कंट्रोल प्लस F9 प्रोग्राम को रन करने के लिए। प्रोग्राम रन किया, ये मेरे से पूछ रहा है एंटर योर ऑप्टन मार्क्स, डाल दिए एंटर योर टोटल मार्क्स डाल दिए और ये परसेंटेज कैलकुलेट होके मेरे सामने आ गया। क्लियर है आपको, मतलब कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले जो उसका लॉजिक लगेगा, जो कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा, उनको पता होना चाहिए, तभी हम एक अच्छा और सही तरीके से प्रोग्राम को बना पाएंगे।